आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम शहर शहर खबर खबर में। लखनऊ में बीजेपी के दूसरे राजनीति दलों में सेंधमारी जारी है। बीजेपी के इस चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष के कई नेता फंसते जा रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल में ही बीजेपी ज्वाइन की है। इस क्रम में सपा नेता मोहनीश त्रिवेदी ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। बसपा नेता के सचान ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही सपा से नरेंद्र यादव ने अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। नरेंद्र यादव के साथ उनके बेटे सचिन यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके अलावा दर्जन जिलों के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं इन सभी नेताओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो बता दें कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में अव्वल रही, वहीं कहीं ना कहीं अपनी सियासी रणनीति से वो विपक्षी पार्टियों में सेंधमारी करने में आगे दिख रही है। लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके नेतागण लगातार सपा बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों में सेंधमारी में आगे दिखाई दे रही है। तो बता दें कि कई जिलों के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के अलावा सेंधमारी में भी आगे निकल रहे डिप्टी सीएम ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी के दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी है। बीजेपी को पसंद करने वाले नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि विपक्ष की पार्टियां बसपा, सपा, कांग्रेस में जितने भी नेता हैं वो अब जाके कहीं टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, सियासी रणनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी अव्वल दिख रही है और वो सेंधमारी में कहीं ना कहीं आगे निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों से जो नेता है उनके सेंधमारी का प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक बार फिर आज देखने को मिला है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद लगातार विभिन्न दलों से जो नाखुश नेता है उनको अपने पाले में करने का प्रक्रिया कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में विभिन्न दलों से आए नाखुश नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का दामन थापने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सेंधमारी में कहीं ना कहीं आगे निकल गई है। आपको बताएं कि आज पांचवें दिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं विभिन्न दलों से आए नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उनका साफ तौर पे कहना था कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग ले रहे हैं। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में मोहनीश त्रिवेदी जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बड़े नेता थे, उनके पिता और इनके दादा भाई समाजवादी पार्टी में एक कहीं ना कहीं विधायक और तमाम पदों पर रह चुके हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे है। वही आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वही आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेंद्र यादव और उनके बेटे सचिन यादव ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताएं कि बीते दिन आपने देखा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय सिंह अज्जू और साथ ही साथ आपके डीपी सिंह समेत तमाम नेता आए थे और आज एक बार फिर बीजेपी ने 9:30 बजे ज्वाइनिंग की एक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें बीजेपी में सपा, बसपा और कांग्रेस से बागी नेता कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामे। साफ तौर से इन नेताओं का आरोप है कि हमें तवज्जू नहीं मिल रहा था और हमें मौके नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से हम बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सेंधमारी का कितना चुनावी परिणाम पर असर आता है, वो नतीजों के बाद साफ होगा।
12 मई को जब मत का गणना होगा उससे साफ नजर आएगा कि अन्य दलों से आए नेताओं के आने से बीजेपी का चुनावी परिणाम में कितना प्रभाव आया है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर से नंदनी देखें तो अन्य दलों से आए नेता जो नाखुश हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और देखने वाली बात ये भी होगी कि निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर जीता जा रहा है तो ये जो अन्य नेता अलग अलग पार्टियों से आते हैं इनकी लोकसभा में क्या जिम्मेवारी होती है। जी विभांशु कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ने अब प्रचार प्रसार का दामन थामा है लेकिन सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है उनके पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी कलह है उसको मिटाना। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी हो या कहीं देखे तो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो इन दलों से कहीं ना कहीं नाखुश नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसका अगर देखे तो इसे पूरे सदस्यता में अगर कहीं ना कहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार आज पांचवे दिन ज्वाइनिंग की एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम रखा गया जिससे अलग अलग नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके साथ है कि कहीं ना कहीं ये नेता आने वाले समय में बीजेपी में अहम लगे देख सकते हैं। अगर बात करें तो इन ज्वाइनिंग के साथ साथ जो नेता आ रहे हैं उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और अन्य दलों के पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जी विभांशु, शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अखिलेश एक शिवपाल के करीबी जो है कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी जो है साथ आ गई है तो कुछ असर देखने को मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं अब अंदर की जो चुनौतीपूर्ण है उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी को बहुत ही मुश्किलें दिखाई दे रही है। कि 8 सालों के बाद चाचा और भतीजा यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी एक नए जोश और उमंग में नजर आ रही थी मगर बीजेपी की इस तेजमारी की चाल से क्या असर आता है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर से पश्चिम के अंदर में और अवध प्रांत के अंदर में समाजवादी पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है और ये कहते हुए नजर आ रही है कि पंचायत चुनाव में जैसा परिणाम था जिसमें RND और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बेहतर नतीजे की ओर दिखा था क्या वो दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी गठबंधन वो नतीजों के बाद साफ होगा उनके लिए चुनौती का विषय है। मगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार प्रचार अभियान में पुरजोर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो राजधानी लखनऊ में मेट्रो में प्रचार अभियान की शुभारंभ करेंगे और यहाँ की महापौर प्रत्याशी कहीं ना कहीं मंजुला मिश्रा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक लंबे अरसे के बाद चाचा और भतीजे की जोड़ी चुनावी मैदान में एक साथ नजर आ रही है इसका नतीजों के बाद साफ होगा कि कितना ये जोड़ी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाया है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो वहीं अतीक अहमद के शूटर गुड्डू बमबाज के बारे में आए दिन खुलासे हो रहे हैं वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब इस हत्याकांड का बिल्डर कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम उमेश की हत्या से पहले लखनऊ के एक चर्चित बिल्डर के लगातार संपर्क में था। उसकी कई बार उससे फोन पर बात हुई थी। मुस्लिम को इसके बता दें कि पुलिस को इसके पुख्ता प्रमाण भी मिले। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। लखनऊ का यह बिल्डर पिछले कुछ समय से बेहद चर्चा में है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने फरार शूटरों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नंबर हाथ लगा। जब इस नंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि उमेश पाल की हत्या से पहले वो लगातार लखनऊ के एक बिल्डर से संपर्क में था। दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। तो वहीं
उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम, जो कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लगातार एसटीएफ टीम जो है तलाश कर रही है, ये जानकारी निकल के सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड से पहले एक बिल्डर के संपर्क में था। लगातार उससे फोन पे बातचीत होती थी। कॉल डिटेल से सामने आई है कि बिल्डर जो है वो लखनऊ का रहने वाला है। बता दें कि लगातार गुड्डू मुस्लिम उससे बातचीत करता था। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, उमेश पाल हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, जो कि एसटीएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है, उमेश पाल हत्याकांड से पहले उसके पास एक बिल्डर्स के संपर्क सामने आए हैं। लेकिन एसटीएफ की टीम जिस तरीके से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन तलाश करने के बीच अब एक नया खुलासा जो सामने आया है, वो खुलासा ये है कि गुड्डू मुस्लिम का संपर्क लखनऊ के एक बड़े बिल्डर से सामने है। क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की तलाश हो रही थी, उसकी डिटेल्स निकाली जा रही थी, जब गुड्डू मुस्लिम का नंबर एक जो पुलिस के हाथ लगा था, तब जब उसकी सीडीआर निकाली गई तो उसमें एक बिल्डर का नाम सामने आया। उस बिल्डर की उस नंबर से जब बिल्डर की जानकारी की गई, ये देखा गया है कि वो बिल्डर जो है जो गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था, वो उमेश पाल हत्याकांड से पहले कई बार प्रयागराज भी आया गया है। लेकिन इस हत्याकांड में क्या सुना था, इन सभी सवालों पर अभी जो पुलिस की जो निगाह है वो गहराती जा रही है। क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा बमबाज भी माना जाता है, क्योंकि वो कई बड़े माफियाओं के संपर्क में भी रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरीके से बिल्डर की बात सामने आ रही है कि आखिर ये बिल्डर कौन है और आखिर गुड्डू मुस्लिम से उसका संपर्क क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो कड़ियां रोजाना नहीं खुल रही है, इन कड़ियों में कई खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जब तक नहीं पकड़ा जाता है तो ये खुलासों पर केवल एक संशय किया जा सकता है कि आखिर उसका संपर्क किस तरीके से था। फिलहाल जो बिल्डर है, बिल्डर भी अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे साफ होता है कि गुड्डू मुस्लिम का उस बिल्डर से कुछ खास ही हिस्सा था। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे पहले भी वो कई बार लखनऊ आया और लखनऊ में उस बिल्डर से मुलाकात भी किया था। लेकिन अब सवाल उठता ये है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम और उस बिल्डर का रिश्ता क्या है, क्या उसकी कोई साजिश रही है इस हत्याकांड के पीछे, या फिर उसका कोई जो ऐसा संपर्क है जिससे कि जो आपराधिक संपत्ति है उसमें भी क्या उसकी हिस्सेदारी है। फिलहाल कई ऐसे सवाल है जिस पर लोगों का संशय है। फिलहाल जब तक गुड्डू मुस्लिम या फिर वो बिल्डर गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक ये सभी राज बने हुए। फिलहाल एसटीएफ की टीम उसको गुड्डू मुस्लिम की तलाश में, चाहे कर्नाटक हो या फिर एमपी हो या दिल्ली हो, कई जगहों पर कलीम देखिए लगातार ये बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम जो है अपना हुलिया बदल रहा है, लोकेशन बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए जिस तरीके से अभी एक जो नया खुलासा हुआ था कि जो गुड्डू मुस्लिम है, गुड्डू मुस्लिम जब पहले दिल्ली में था, तो जब एसटीएफ की टीम दिल्ली में डेरा डाली थी, तब जानकारी आ रही थी कि गुड्डू मुस्लिम राजस्थान की ओर प्रस्थान कर चुका है। राजस्थान में रह करके उसने अपनी होलिया पूरी बदल दी है, जैसा कि एसटीएफ सूत्रों का कहना है। फिलहाल अभी इससे कोई पुख्ता बात नहीं कही गई, क्योंकि किसी अधिकारी ने अभी इस मामले में बयान नहीं किया। लेकिन हाँ ये बात जरूर कही जा रही है सूत्रों के हवाले से कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसने पूरी अपनी होलिया बदली है, जैसे कि उसके जो चेहरे पर मूछ रहती थी तो उसके चेहरे पर अब मूछ भी नहीं है, बाल भी छोटे हो चुके हैं, कि अगर गुड्डू मुस्लिम उनके सामने से भी गुजर जाता है तो एक बात उसको पहचानने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की जो फोटो पुलिस और एसटीएफ के पास है वो होलिया दूसरी है, लेकिन जो मौजूदा समय की होलिया बताई जा रही है वो उससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उसकी पूरी होलिया बदली हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं पहचानने में भी दिक्कत होगी। लेकिन जो नंबर की बात की जाए कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की जो बात की जा रही है उसके नंबर की डिटेल के जरिए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम कोई मोबाइल अपने पास नहीं रखे हुए, लेकिन बीच बीच में वो नंबरों से संपर्क करता है, ऑनलाइन कॉलिंग से संपर्क करता है। लेकिन अब जिस तरीके से बिल्डर की जो बात आ रही है, बिल्डर जब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा तो इसके पीछे जो राज की बात है वो राज भी सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी इस बीच एक जो नई बात सामने आई है वो बात ये है कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की यूपी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम तलाश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश में लग गई है। क्योंकि कहा जा रहा है अंतर्राज्यीय स्तर पर जिस तरीके से असलहों की तस्करी की जाती थी, उसके जरिए गुड्डू मुस्लिम ने इन असलहों की
तस्करी जो तस्कर था उससे इंतजाम करवाए थे, और जो उमेश पाल हत्याकांड था उसी उमेश पाल हत्याकांड में उन्हीं हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो तरीके से अभी गुड्डू मुस्लिम फरार है तो अभी इसमें कई राज भी खुलने बाकी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। तो लगातार बताया जा रहा है कि एक गुड्डू मुस्लिम लखनऊ के बिल्डर के संपर्क में था उमेश पाल हत्याकांड के बाद। उमेश पाल हत्याकांड से पहले पुलिस को लगातार अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, इसके साथ साथ अब उस लखनऊ के बिल्डर की भी तलाश है। यूपी के बहुचर्चित 150 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में कई अहम सुराग मिले हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में अब वरिष्ठ अधिकारियों और आईएएस पीसीएस के लिप्त होने के सुराग मिले हैं। मामले की जांच कर रही ईडी हाइजिया के दोनों संचालकों समेत तीनों आरोपियों को सीबीआई आज विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करेगी और रिमांड अवधि बढ़ाने का अनुरोध करेगी। जांच अधिकारी की ओर से सभी अधिकारियों को समन भेजा जा रहा है। बता दें कि सूत्रों की माने तो ईडी को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी सुराग मिले हैं। तो छात्रवृत्ति घोटाले में बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारियों के संलिप्त होने की खबर सामने आई है। 150 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी अहम सुराग मिली है। बता दें कि घोटाले में आईएएस पीसीएस अफसरों की संलिप्तता सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगे। सुहानी, छात्रवृत्ति घोटाले में बड़े आईएएस पीसीएस अफसरों के नाम सामने आए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? उत्तर प्रदेश के जो 150 करोड़ की जो छात्रवृत्ति जो घोटाला सामने आ रहा है उसमें 700 पे जो है आयुष पीसीएस के बड़े अधिकारी उनका नाम सामने आ रहा है। और उसी के लेके जो हाइजिया ग्रुप कॉलेज के जो संचालक और उनके जो कर्मचारी है तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी जो रिमांड अवधि वो भी बढ़ाने के किया जाएगा कि उनसे जो और भी जो जाँच पड़ताल है और साथियों से उस पर जाँच की जाए और अच्छे से अच्छे सबूत जो मिल सके। क्योंकि ये जो घोटाला है आप समझ सकती हैं कि जो गरीब जो अल्पसंख्यक और जो ऐसी और जो तमाम जो दिव्यांग है उनके लिए जो केंद्र सरकार जो है ये छात्रवृत्ति देती है और इसलिए जो है बड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हो रहा है। आज यह ग्रुप के जो संचालकों से जब पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें बड़े बड़े अफसरों को भी उनको दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जो छात्रवृत्ति को हड़पने के लिए इसमें जो पुराने लखनऊ के जो एक रिक्शा चालक है उनके नाम भी खाता खुलवाया गया था। वहीं आपको बता दें मृतकों के नाम भी खाता खुलवा के छात्रवृत्ति को हड़पने की सारी की गई थी और वह इसमें बड़े तौर से जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी सामने आ रहा है। अब पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें बड़े पैमाने पर इसकी जो ये 150 करोड़ की घोटाला हुआ है अपनी एस सी एस को अपनी जो पूरी जो जांच पड़ताल होगा उसको सौंपी गई और फिर एस सी एस उसको पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करेगी कि ये जो घोटाला है एक बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को सुधारने के लिए और ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो छात्रवृत्ति रहती है कि वो अपनी जिंदगी आगे के बढ़ा सके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। वही जो अधिकारी होते हैं जो सोच सकती हैं आप आई एस पी सी एस जो कि इतने बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े अधिकारी होते हैं वो इस सब काम में शामिल है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है और इसी के लिए सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। और आज ही जो हाइजिया ग्रुप के जो संचालक है और उनके जो तीन जो कर्मचारी है उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी नंदी सुहानी, जो ये छात्रवृत्ति घोटाले में जिन बड़े आईएएस अफसरों और पीसीएस अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं तो आखिर कितने की संख्या में ये लोग हैं, इसकी कुछ लिस्ट जारी की गई है? जी नंदनी आपको बता दें कि मैं इसमें जो इस छात्रवृत्ति में आपको बता दें 20 कॉलेज का नाम आ रहा है। वही आपको बता दें लखनऊ समेत 6 राज्यों में इसकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक तो अधिकारियों का नाम अभी नहीं बताया गया है ना ही संख्या बताया गया है। साफ तौर से जो आईजिया ग्रुप के जो संचालक से जब उन्होंने पूछताछ की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है इसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका नाम सामने आ रहा है। अब इसी को लेकर ईडी जो है अब आज जो संचालक है जो आईजिया ग्रुप कॉलेज के जो संचालक और उनके जो कर्मचारी है तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे पूछताछ होगा। वही जो ईडी है उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के भी गुजारिश करेगी क्योंकि जो जिन अधिकारियों का भी नाम सामने नहीं आ रहा है और वही तमाम सबूत हैं जो पिछले हफ्ते से नहीं आ रहा है उसको जांच पड़ताल करने के लिए इनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के भी वो गुजारिश करेंगे और अच्छे से इसकी जाँच करेंगे। और वही ईडी जो है एसीएस को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें पूरे अच्छे से इसकी जाँच पड़ताल होगी किसमें किस किसका नाम है और कौन कौन ऐसे अधिकारी है जो कि 150 करोड़ और मनी लॉन्ड्रिंग का भी सामने आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी।
बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में कई बड़े अफसरों के नाम सामने आए हैं जिसकी आज कोर्ट में पेशी है। वहीं बताया जा रहा है कि रिमांड भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। घोटाले में कई आईएएस पीसीएस अफसरों के नाम शामिल आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम मुश्किल में आ गए हैं। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में आज कोर्ट में पहली सुनवाई होनी है। बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने दाखिल कराया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। तो गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज उनकी कोर्ट में पेशी है। मानहानि के मामले में तेजस्वी यादव की आज कोर्ट में पेशी है जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बता दें कि उन्होंने गुजरातियों पर एक टिप्पणी दिया था जिसको लेकर केस दर्ज कराया गया। धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज हुआ है जिसकी आज कोर्ट में पेशी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम मुश्किल में आ गए हैं। बता दें कि अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में आज कोर्ट में पहली सुनवाई होनी है। बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने दाखिल कराया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, राहुल गांधी के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़नी है क्योंकि उन्हें मानहानि के खिलाफ उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही। आपको बताएं कि इन दोनों नेताओं को का एक जैसे ही मामला हुआ है। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव की तरफ से एक भाषण में कहा गया था कि सारे ठग गुजराती की होते हैं। आपको बताएं कि हीरे के व्यापारी हरसल मेहता और मेहुल चौकसी को लेकर ये बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद आपको बताएं कि गुजरात के मेट्रो कोर्ट में इस मामले के लिए याचिका पड़ी हुई है जिसकी आज सुनवाई होनी है। आज पहली सुनवाई होगी। वहीं आपको बताएं कि सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी हरेश मेहता की तरफ से कहीं ना कहीं ये याचिका डाली गई है जिसमें सबूत के तौर पर उस भाषण को भी पेनड्राइव के द्वारा दिया गया है जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुजरातियों को ठग बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के इस बयान को देखें, उसमें साफ तौर से तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था कि जो भी ठग होता है वो गुजरात से क्यों होता है और वो कहीं ना कहीं नकेल से बच क्यों जाता है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट आईपीसी की 499 और 500 धारा के तहत अब सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि दोपहर तक मेट्रो कोर्ट की इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। अब देखने वाली बात ये भी होगी इस मामले को लेकर माननीय कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो गुजरातियों को ठग कहने के आरोप में तेजस्वी यादव जो है उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है जिसकी आज कोर्ट में सुनवाई है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।